हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन ली डियान लुंग को मार देता है, इसीलिए अब चैन टियान हाओ से फाइट करने के लिए आता है। लेकिन दोनों में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, बावजूद उसके जियान चैन को वो हरा नहीं पाता है। इसीलिए अब जियान चैन उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है, जिसे देख कर चैन टियान हाओ गुस्से में जियान चैन पर अपनी बहुत ही पावरफुल टेक्निक पाम टेक्निक का यूज़ करने लगता है। उसके इतने पावरफुल अटैक को देख कर पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो वहीं हम जियान चैन को देखते हैं, जो ये समझ जाता है कि अब वो इस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए अब वो वहाँ से भागने का सोचता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही स्पीड में कोई आता है और वो जियान चैन के सामने आकर उस अटैक को वहीं रोकने लगता है, जिसकी वजह से वो अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हम उस आदमी की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चैन टियान हाओ और जियान चैन से भी कई गुना पावरफुल है। फिर वो आदमी चैन टियान हाओ से कहता है कि लकीली मैं टाइम पर आ गया, वरना तुम सब कुछ खराब कर देते। इस पर चैन टियान हाओ उसे डार्क 11 के नाम से पुकारते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ इस आदमी को क्यों बचाना चाहते हो, जिसने ली डियान लुंग को अभी भी खत्म कर दिया। जिस पर वो आदमी चैन टियान हाओ से कहता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। लेकिन हम देखते हैं कि चैन टियान हाओ को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी वो आदमी जियान चैन से कहता है कि तुम्हें ढूंढने में तो मुझे काफी टाइम लग गया, जिस पर जियान चैन कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम हो कौन। जिस पर वो जियान चैन से ही पूछने लगता है कि क्या तुम्हें क्योटिंग माउंटेन में स्वॉर्ड बैरियर के मार्क को ब्रेक करके उसे डिस्ट्रॉय किया था। जिस पर जियान चैन को याद आ जाता है कि वो किस स्वॉर्ड बैरियर की बात कर रहा है, इसलिए वो उसे बता देता है कि उसने वहां से एक टोकन भी लिया था। और फिर वो अपने टोकन को उसे दिखाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी के पास भी सेम वैसा ही टोकन था और वो दोनों टोकन एक जैसे ही दिख रहे थे। इसीलिए वो आदमी खुश होते हुए जियान चैन से कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें कई महीनों के बाद ढूंढ लिया। और इसके बाद वो उसे अपने साथ तुरंत ही चलने के लिए कहने लगता है, जिस पर तभी चैन टियान हाओ उन्हें रोकते हुए कहता है कि जियान चैन यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। इस पर डार्क 11 को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो जो मुझे रोक रहे हो। उसकी इस धमकी को सुनकर चैन टियान हाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो उसे बताने लगता है कि जियान चैन ने अभी यून फेंग के फादर ली डियान लुंग को मार दिया है। इस पर डार्क 11 जियान चैन से पूछता है कि क्या ये सच है, जिस पर जियान चैन उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने मुझ पर पहले अटैक किया और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए मैंने उससे फाइट बैक की और मैंने उसे खत्म कर दिया। इस बात को सुनकर डार्क 11 चैन टियान हाओ से कहता है कि जियान चैन ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। ली डियान लुंग ने उस पर अटैक किया और जियान चैन ने अपनी जान बचाने के लिए उसे खत्म कर दिया, तो तुम उसे नहीं रोक सकते हो। और कहता है कि ली डियान लुंग अगर जियान चैन को रोकने के लिए तुम्हारे मास्टर या फिर कोई और भी आ जाता तो आज वो नहीं रोक पाता, और अगर तुमने मुझे रोकने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुमने अभी भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर चैन टियान हाओ समझ जाता है कि अब वो डार्क 11 से बच नहीं पाएगा अगर उसने उससे फाइट की, इसीलिए वो शांत होकर एक साइड में खड़ा हो जाता है। और फिर जियान चैन से कहने लगता है कि तुम इस बार लगी थे जो तुम्हारी जान बच गई, पर हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ से जाने के बाद ली यूनफेंग को सब कुछ बता दूंगा, इसके बाद तुम्हारा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर यहाँ से यही कहते हुए वो जाने लगता है, जिस पर जियान चैन उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने इस बार मुझे तो नहीं मार पाया है, बट मैं अगली बार तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। इस पर वो हंसने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद डार्क 11 जियान चैन से अब उसके साथ वहां से चलने के लिए कहता है, जिस पर जियान चैन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मेरे पास कुछ ऐसा काम है जो मुझे अभी के अभी खत्म करना है। और फिर हम देखते हैं कि जुंगे जेंग ताओ वहां से धीरे से खिसक रहा होता है, क्योंकि अब उसका मास्टर मर चुका है और जियान चैन उसे भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जियान चैन उसके सामने आ जाता है और जैसे ही वो जियान चैन को देखता है तो उसे देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो जियान चैन उससे कहता है कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो, सेरेमनी भी खत्म थोड़ी हुई है। जियान चैन को अपने सामने देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अपने माथे को जमीन पर रगड़ने लगता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपको ऑफेंड किया, अब तो मेरे पूरा खानदान आपकी ही सेवा करेगा, मेरे सारे डिसाइपल्स और टियान लुंग सेट के सारे डिसाइपल्स भी आपकी ही सेवा करेंगे। और फिर उसे जिंदा छोड़ने के लिए कहने लगता है, लेकिन हम जियान चैन के नेचर को तो जानते हैं, वो अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन पर वार कर देता है और कहता है कि अब टियान लुंग सेक्ट या उसका कोई भी इंसान दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि वो आदमी यानी कि जुंगे जेंग ताओ वहीं मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब जियान चैन को रोकने वाला और उसके जितना पावरफुल यहाँ कोई भी नहीं बचा है। तो वहीं डार्क 11 भी ये तय कर लेता है कि अब वो जियान चैन के साथ अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छी कर लेगा, क्योंकि वो अब जियान चैन की पावर को अच्छे से समझ चुका था। और फिर तभी जियान चैन अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता है और हर एक चीज और हर एक इंसान इधर उधर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद जब वो ऑरा थोड़ा शांत होता है तो लोग देखते हैं कि टियान लुंग सेक्ट का जो फ्लैग था वो जमीन पर फटा हुआ पड़ा था।
जिसके बाद जियान जिन सभी को संबोधित करते हुए कहता है कि सभी लोग जो टियानलोंग सेक्ट के मेंबर्स हैं या कहीं और के भी हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। अब आज के बाद टियानलोंग सेक्ट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि शेनयान टाउन में हमारी फैमिली ही यानी कि लिंग फैमिली ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है और जिसने भी हमारी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दी उसे खत्म कर दिया जाएगा। इस पर सभी लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सभी लोग जियान छन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। अगले सीन में हमें शेनयान इनको दिखाया जाता है जहाँ पर एक रूम में बैठकर जियान जैन खुद की इंजरीज को हील कर रहा था। उसकी इंजरीज हील हो जाने के बाद डार्क इलेवन उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर जियान छन उसे कहता है कि अभी मेरे पास एक और काम है जिसे मुझे निपटाना है। इस पर अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जब भी वो जियान छन को उसके साथ चलने के लिए कहता है तो जियान छन उसे एक नया काम बता देता है। इसीलिए वो जियान छन पर गुस्सा करने लगता है। तभी जियान छन कुछ वर्ड बोलता है जिसे सुनकर वो चुपचाप हो जाता है और जियान छन से इन सब के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जियान छन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कल्टिवेशन देखकर ही पता लग रहा है कि तुमने हेवन और अर्थ के लॉज के अकॉर्डिंग ही कल्टिवेट किया है। जिस पर डार्क इलेवन जियान छन से कहता है कि तुमने अभी जो लाइंस बोली थी वो डार्क शैडो फार्मूला की जनरल आउटलाइंस है जिन्हें मैं प्रैक्टिस करता हूँ और तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है। जिस पर जियान छन उसे बताता है कि ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक ब्रिलियंट टेक्निक है जिसे मैं तुम्हारे मूव्स को देखकर ही बता सकता हूँ। जिस पर डार्क इलेवन जियान छन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ देखता हूँ। दरअसल जियान छन इसीलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि लास्ट लाइफ में वो डिवाइन रैल के गॉड्स का ट्यूटर हुआ करता था और उसके लिए ये सब फिगर आउट करना बहुत ही आम बात है। अब डार्क इलेवन को उसकी बातों पर बिलीव नहीं था, इसीलिए अब जियान छन उसे कुछ बातें बताने लगता है। वो उसे बताता है कि जब भी तुम रोज प्रैक्टिस करते होगे तो तुम्हें कोल्ड फील होता होगा और कहता है कि जब भी तुम रोज कल्टीवेशन करते होगे तो तुम्हारा ब्लड कल्टीवेशन खराब हो जाता होगा और तुम्हें बार बार टॉयलेट आना, बार बार बवासीर होना, रात में पीठ में दर्द होना, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी खराब होना, रात में टॉयलेट ढंग से ना आना और रात में बहुत ज्यादा टॉयलेट आना, ये सब समस्याएं रहती होंगी। यही नहीं, तुमने अभी भी अपने पैंट में टॉयलेट की हुई है। जियान छन की तीखी बातों को सुनकर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर जियान छन को उसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है और वो सोचने लगता है कि कहीं जियान छन कोई डीमन तो नहीं है। तभी जियान छन उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल तुम जो फार्मूला प्रैक्टिस करते हो उसी में कुछ गड़बड़ है। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे और इसी फार्मूला को लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा बचोगे। जियान छन की बात को सुनकर डार्क इलेवन जियान छन के सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरी 80 साल की माँ है और मेरी 15 कॉन्क्यूबन है जिन्हें मुझे पालना है। इस पर जियान छन का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है और वो कहता है कि 15 कॉन्क्यूबन्स अपने इतने वीक बॉडी के साथ, ये तो वाकई ही काफी आश्चर्य की बात है कि तुम अभी तक टिके हुए हो। इसके बाद जियान छन डार्क इलेवन को एक नया फार्मूला दे देता है और उसके पूछने पर उसे बताता है कि ये नया फार्मूला तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल सूट करेगा, ये तुम्हारे पुराने वाले फार्मूला की तरह तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, इसीलिए अब तुम्हें इसके साथ दोबारा से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस पर डार्क इलेवन रोते हुए जियान छन को इन सब के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा, तुम्हें जब भी फ्यूचर में मेरी जरूरत हो तुम बस मुझे बता देना। जिस पर जियान छन कहता है कि हाँ एक काम तो है जो तुम्हें करना होगा। जिस पर वो जियान छन से उस काम के बारे में पूछने लगता है तो जियान छन उसे कहता है कि मुझे एक फर्नेंस चाहिए और 30 कैट डीमन बीस्ट का ब्लड एसेंस, साथ ही साथ मुझे पर्पल गोल्ड फ्लावर, हेवनली स्टार ग्रास और 36 मेडिसिन हर्ब भी चाहिए होंगी। इस पर डार्क इलेवन खुश होते हुए कहता है कि अगर आप कोई पिल बनाने जा रहे हैं तो मेरे पास भी पिल रिफाइनमेंट की कुछ नॉलेज है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर जियान छन कहता है कि नहीं, इन सब में तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। इसके बाद वो उसे बता देता है कि वो अपने फादर के एलेक्सर फील्ड को रिसीव करने के लिए गोल्डन बॉडी पिल को बनाना चाहता है। इस पर डार्क इलेवन शॉक होते हुए जियान छन से पूछता है कि क्या किसी के एलेक्सर फील्ड को भी रिसीव किया जा सकता है, जिस पर जियान छन वहां से मुस्कुराते हुए बस जाने लगता है और मन में सोचता है कि ये तो बड़ा ही वियर्ड जीनियस है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान छन ने डार्क इलेवन को बताया था कि वो जिस डार्क शेडो फार्मूला का यूज़ कर रहा है, जिसके द्वारा वो कल्टीवेट कर रहा है, उसी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से उसे फिजिकली और मेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी बीच डार्क इलेवन ने जियान छन को बताया था कि उसकी एक 80 साल की माँ और 15 कॉन्क्यूबन्स हैं जिनका उसे ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए अब जियान छन ने उसको एक नया बॉडी फार्मूला दे दिया था और उसे कल्टीवेट करने को भी कह दिया था। ये सुनकर वो उसका इतना ज़्यादा थैंकफुल हो जाता है कि वो हमेशा ही उसकी हेल्प करने का तय करता है। जिस पर जियान छन उसे फर्नेंस के साथ साथ 30 कैट डीमन बीस्ट के ब्लड एसेंस और एक पर्पल गोल्ड फ्लावर, हेवनली स्टार ग्रास जैसी 36 मेडिसिन को लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनकी हेल्प से गोल्डन बॉडी फील्ड को बनाकर अपने फादर की एलेक्सर फील्ड को रीशेप करना चाहता था। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लिंग फैमिली के नए रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहां जियान छन अपने फैमिली के पास आ चुका था और वहीं पर उसकी फैमिली के साथ साथ विलेजर्स को भी देख पाते हैं, जहां उसके फादर कल्टीवेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब जियान
ध्यान चंद ने गोल्डन बॉडी फील्ड को उनके एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए उनके एलेक्सर फील्ड को रीशेप करने के लिए उन्हें दे दिया था। जहां का टाइसन ध्यान चंद से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ये पेल तुम्हारे फादर की एलेक्सर फील्ड को रीशेप भी कर पाएगी, क्योंकि ध्यान चंद के फादर को कल्टीवेट करते हुए काफी टाइम बीत चुका था और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, जिस पर ग्रैंडफादर उन्हें पेशेंस रखने के लिए कहते हैं। तभी अंकल टाइसन शॉक होते हुए सभी लोगों को लिंक टेक्सिन की तरफ देखने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वहां सब लोग देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि ध्यान चंद के फादर के आसपास गोल्डन लाइट चमक रही थी। तभी ध्यान चंद के फादर जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, जिसे देखकर ध्यान चंद कहता है कि ये तो काम कर गया। तभी ध्यान चंद के फादर खड़े हो जाते हैं और ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अब उनका एलेक्सर फील्ड रीशेप हो चुका है और साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल रैल्म के फर्स्ट ग्रेड को भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जिस बात को जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ध्यान चंद के नाम के नारे लगाने लगते हैं, जिस पर तभी ध्यान चंद उनके पास आता है और उन्हें कुछ कल्टीवेशन मेथड्स की बुक देते हुए बताता है कि ये मेथड्स आपकी बॉडी के लिए सुइटेबल हैं, और फिर बताता है कि इसके अलावा मैंने स्पिरिट वाइंस में एक स्पिरिट गैदरिंग एरे को भी डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी हेल्प से सिर्फ आधे साल में ही ये जगह कल्टीवेशन के लिए होली प्लेस बन जाएगा। स्पिरिट गैदरिंग एरे और इन कल्टीवेशन मेथड्स को देखकर अंकल टाइजन और अंकल टाइसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं ग्रैंडफादर ध्यान चंद से पूछते हैं कि शायद तुम्हारा इस बार भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं होगा, जिस पर ध्यान चंद कहता है कि हाँ ये बात सही है और मैं कल यहाँ से सीधे ब्लू फायर आर्मी की तरफ निकल जाऊंगा, और फिर अपने नील डाउन करते हुए उन सभी से माफी मांगता है क्योंकि वो उनके साथ तो रहना चाहता था बट कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं रह पा रहा था। जिस पर तभी ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सिली बॉय तुम तो वो ड्रैगन हो जिसकी बदौलत आज हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सके हैं, इसलिए तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो और तुम हमारी भी चिंता मत करो, तुम्हें जो भी करना हो तुम आराम से करो। जिस पर अंकल टाइसन भी ध्यान चंद को फिक्र ना करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका पूरा विलेज हमेशा ही ध्यान चंद के सपोर्ट में रहेगा, और अंकल टाइसन भी ध्यान चंद को बाहर जाकर अपने कैरियर को एस्टैब्लिश करने का कहते हैं। इस पर ध्यान चंद उनके सपोर्ट के लिए सभी को थैंक यू कहता है। तभी वहां पर रोड करते हुए उसका लिटिल वाइट यानी कि वाइट टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर ध्यान चंद इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। इसके बाद ध्यान चंद सभी लोगों को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, मैं हमारी विलेज को बहुत ही जल्द उसकी ग्लोरी को वापस लौटा दूंगा, और फिर इसी के साथ ध्यान चंद वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ध्यान चंद ब्लू फायर सिटी में आ चुका था, जहां पर लेजेंडरी ब्लू फायर सिटी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि ये शनियान टाउन से भी ज्यादा समृद्ध थी और उससे भी ज्यादा बड़ी थी। तभी डार्क इलेवन ध्यान चंद के पास आता है और उसे बताता है कि वो काफी टाइम से अपनी ब्लू फायर आर्मी से दूर रहा है, इसलिए सबसे पहले उसे अपने लॉर्ड को रिपोर्ट करना होगा और उसे बताना होगा कि वो ध्यान चंद को यहाँ पर ले आया है, और फिर उसे ब्लू फायर आर्मी का टोकन देते हुए बताता है कि आप इसकी मदद से कहीं भी आ जा सकते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस पर ध्यान चंद भी उस टोकन को ले लेता है और फिर डार्क इलेवन वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि ध्यान चंद अभी भी डार्क इलेवन के उसी लॉर्ड के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में डार्क इलेवन उसे बार बार बता रहा था, जिसके बाद वो जो उस टोकन को अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आगे जाकर उसे एक हर्ब हॉल दिखता है जहां पर नया नया हर्ब का बैच आया हुआ था। तभी उसे याद आ जाता है कि उसे जुई के लिए भी कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करना है, इसीलिए वो वहां चला जाता है ताकि वो उन हर्ब्स को कलेक्ट कर सके। और फिर जैसे ही ध्यान चंद उस हर्ब हॉल में एंटर करता है तो वहां के एक सर्वेंट उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए है, जिस पर ध्यान चंद उसे कुछ प्रीशियस स्टोन देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ सेवन स्टार मून ग्रास घोस्ट फेस गेनोग्रमाल ल्यूसीडियम और फायर ड्रैगन का ब्लड एसेंस मिल सकता है, जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि यहाँ पर दो चीजें तो नहीं मिलेंगी, यहाँ पर उसे सेवन स्टार मून ग्रास मिल जाएगी लेकिन वो भी वाइस लीडर के पास है और उसे नहीं लगता है कि वाइस लीडर उसे बेचना चाहेगा। ध्यान चंद की बात को सुनकर एक लड़का फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ जाता है, जिसे देखकर वो सर्वेंट ध्यान चंद को बताने लगता है कि ये लड़का हमारे वाइस लीडर का डिसिपल लियोन है और अगर तुम्हें सेवन स्टार मून ग्रास चाहिए तो तुम्हें इससे बात करनी होगी, जिस पर ध्यान चंद उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं सेवन स्टार मून ग्रास को खरीद सकूं, जिस पर योन बड़ी एरोगेंटली कहता है कि हमारे मास्टर सिर्फ पिल रिफाइनर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं, और फिर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहने लगता है, जिस पर ध्यान चंद सोचता है कि शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी। तभी योन उस सर्वेंट को आगे से कस्टमर्स की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कहता है और कहता है कि हमारे मास्टर इस समय थर्ड फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अगर वो डिस्टर्ब हुए तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो डर के मारे यून से माफी मांगने लगता है। तभी ध्यान चंद उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं एक पिल रिफाइनर नहीं हूँ, जिस पर वो हंसने लगता है और ध्यान चंद को अपना बैच दिखाते हुए कहता है कि जो भी पिल रिफाइनर होते हैं उनके पास ये होता है और अगर तुम पिल रिफाइनर हुए तो मैं अपने सिर को तुम्हें भेंट चढ़ा दूंगा, जिस पर ध्यान चंद उससे कहता है कि मैं सच में एक पिल रिफाइनर हूँ और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं टेस्ट देने के बाद इस बात को प्रूफ कर दूंगा। और फिर वो रिफाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है, जिस पर पीछे से यून उससे कहता है कि तुम जितना बड़बड़ा रहे थे उतना कर भी पाओगे या नहीं, जिस पर ध्यान चंद उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बस अपने प्रॉमिस को याद रखना, जिस पर वो भी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम हार गए तो याद रखना
मैं तुम्हारे हाथ पैर को काट कर बाहर फेंक दूंगा ताकि तुम कभी भी किसी भी हर हॉल में ना जा सको। जिसके बाद यून जियान चैन को रिफाइनिंग रूम में लेकर आ जाता है और सभी लोगों को बताता है कि जियान चैन ने उसके साथ एक बैट लगाई है कि वो भी एक पिल रिफाइनर है। इसीलिए यून सभी लोगों को इस बैट का विटनेस बनने के लिए कहता है, जिस पर वो सभी लोग तुरंत एग्री हो जाते हैं क्योंकि यून ब्लू फायर सिटी के टॉप 10 जीनियस में से एक था। इसके बाद यून जियान चैन को स्टोरेज रिंग देते हुए बताता है कि इसमें मटेरियल्स के 3 सेट्स हैं जो कि 3 प्रिमिटिव पिल्स बनाने के लिए इनफ होंगे और तुम्हारे पास 3 चांस हैं। अगर तुमने ये 3 प्रिमिटिव पिल्स बना ली तो तुम जीत जाओगे। उसके इतना कहते ही जियान चैन बहुत ही स्पीड से उसके हाथ से वो स्टोरेज रिंग ले लेता है और उसे अपनी फिंगर में डालते हुए कहता है कि वो अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। इस पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि जब ये हार जाएगा तो मैं इसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा। तो वही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसने लिंग विलेज के अंदर काउंटलेस प्रिमिटिव पिल्स बनाई हुई थी, तो उसके लिए 3 प्रिमिटिव पिल्स बनाना कौन सी बड़ी बात थी। इसके बाद जियान चैन प्रिमिटिव पिल्स बनाने के लिए सबसे पहले फर्नेस में आग जलाता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग का यूज करते हुए उसमें से कई सारी हर्ब्स को बाहर निकाल लेता है और फिर उन हर्ब्स को फर्नेस के अंदर डाल देता है और उसे बंद कर देता है और उसकी फ्लेम को भी काफी हाई कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन ने प्रिमिटिव पिल्स को जल्दी बनाने के लिए रोरिंग फायर का यूज किया हुआ था। तो वहीं सभी लोग अभी तक जियान चैन का ही मजाक उड़ा रहे थे और उसे बेवकूफ समझ रहे थे क्योंकि जियान चैन ने सारी हर्ब्स को एक साथ फर्नेस के अंदर डाल दिया था। इसीलिए यून भी जियान चैन को हार मारने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी की सारी मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। जिस पर जियान चैन उससे कहता है कि क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है, और फिर अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए वो फर्नेस में मार देता है। ये देखकर यून को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर जियान चैन कर क्या रहा है, जिस पर जियान चैन उसे अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखने के लिए कहता है और फिर तभी वो फर्नेस भी ओपन होने लगता है जिसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है और फिर सारी प्रिमिटिव पिल्स लोगों के ऊपर आ गिरती हैं जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियान चैन ने एक ही साथ इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स को बना दिया है जो कि किसी मास्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि उनके वाइस लीडर भी ऐसा करने में कैपेबल नहीं थे। इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स को देखकर यून को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है क्योंकि वो ब्लू फायर सिटी के टॉप 10 जीनियस में से एक था और इसीलिए उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। जिस पर अब जियान चैन उसे वो पिल दिखाते हुए अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन हर हॉल में हार्ट्स को कलेक्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने उसे चैलेंज कर दिया था कि अगर वो एक असली का पिल रिफाइनर है तो वो उसके सामने 3 प्रिमिटिव पिल्स को रिफाइन करके दिखाए। जिस पर जियान चैन ने भी उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहां पर 3 पिल की जगह काफी सारी पिल्स को रिफाइन करके दिखा दिया था, जिसे देखकर यून को बिलीव नहीं होता है कि जियान चैन इतना बड़ा पिल रिफाइनर है। इसीलिए अब जियान चैन उसे बैट के मुताबिक अपनी हार को एडमिट करने के लिए कहता है, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने चीनी की है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रिमिटिव पिल्स का पूरा एक बैच ही गायब हो गया था और उसे लगता है कि जियान चैन ने उसे इसमें चुपके से डाल दिया था और सभी लोगों को बेवकूफ बनाया था। उसकी इस बात को सुनकर सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और जियान चैन भी अपना माथा पीटते हुए कहता है कि ये तो सबसे बड़ा वाला बेशरम है। और वहां पर खड़े लोग भी उनसे कहने लगते हैं कि जियान चैन ने कोई चीटिंग नहीं की है क्योंकि उन लोगों ने कड़ी नजर जो बनाई रखी थी। लेकिन तभी वहां पर हर हॉल का वाइस लीडर आ जाता है जो इस बात को प्रूव करने के लिए भी रेडी था। यहां हमें वाइस लीडर का नाम यू जेंग बताया जाता है और फिर वो इस हर हॉल के वाइस लीडर होने के नाते इस बात को भी टेस्टिफाई कर देते हैं कि जियान चैन ने जो प्रिमिटिव पिल्स दिखाई हैं वो उनके हर हॉल की ही प्रिमिटिव पिल्स हैं जो कि चोरी हो गई थी। वाइस लीडर की बात पर कोई भी बिलीव नहीं करता है क्योंकि उन्हें पता था कि जियान चैन ने कोई भी चीटिंग नहीं की है, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि वाइस लीडर झूठ बोल रहा है। तभी उन वाइस लीडर के पास जाता है और होते हुए कहने लगता है कि मास्टर, जियान चैन ने पहले तो हमारी पिल्स को चुराया और फिर मुझे इन सब में फंसा दिया है। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जियान चैन की चालाकी से कैसे बचे, इसीलिए वो अपने मास्टर से हेल्प करने के लिए कहने लगता है। ये सब सुनकर तो जियान चैन को बिलीव हो जाता है कि ये दोनों ही बहुत बड़े बेशरम हैं और वाइस लीडर भी सोचने लगता है कि अगर उसने यून की हेल्प नहीं की तो उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। इसीलिए वो यून से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। और फिर जियान चैन से कहता है, यंग मैन, तुम अभी बहुत यंग हो और मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए सारी पिल्स को वापस कर दो और यहाँ से माफी मांग कर चलते बनो। इस पर जियान चैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि तुम मास्टर और डिसाइपल बहुत बड़े बेशरम हो और तुमसे माफी तो मेरा गंदा टिश्यू पेपर भी नहीं मांगने वाला है। इस पर वॉइस लीडर चिल्लाते हुए जियान चैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इंसल्ट करो। जिस पर जियान चैन कहता है कि तो तुम कर भी क्या लोगे। माहौल को गर्म होता देख सभी लोग हमेशा की तरह ही जियान चैन को कमजोर समझने लगते हैं क्योंकि जियान चैन स्पिरिचुअल रैंक के फर्स्ट ग्रेड पर है तो वहीं वाइस लीडर फिफ्थ ग्रेड पर है। और हम देखते हैं कि वाइस लीडर भी जियान चैन से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, जिसे देखकर जियान चैन उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे।
तुम तो ली टियानलोंग से फाइट करने के भी लायक नहीं हो। और फिर वो कहता है उससे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर अब वाइस लीडर तुरंत ही जियान चेन पर रेड लोटस फायर से अटैक कर देते हैं, जिस पर जियान चेन भी अपनी 3 रंबलिंग थंडर स्ट्राइक को थंडर हैरिकेन के साथ मर्ज करके वाइस लीडर पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक के सामने वाइस लीडर का कोई भी अटैक काम नहीं करता है, ये देखकर वाइस लीडर और यून के पसीने छूट जाते हैं। और अब वो जियान चेन का अटैक सीधे इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वाइस लीडर कहता है कि हो गया बेड़ा गर्क। और फिर तभी ये सीन यहीं कट करके हमें हर्ब हॉल के 3rd फ्लोर के एक प्राइवेट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हर्ब हॉल के लीडर मिस्टर मू कुंग यून मीटिंग कर रहे थे, जहाँ वो नालान को बताते हैं कि उनकी इस डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि उनकी इस डिजीज को सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड का एक पिल रिफाइनर ही क्योर कर सकता था, इसीलिए वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिस पर नालान के अंकल गुस्सा करते हुए मिस्टर मू से कहते हैं कि इसकी उम्र तो सिर्फ 18 साल है, ऐसा कुछ तो तरीका होगा जिससे इसकी हेल्प की जा सके। जिस पर नालान अपने अंकल को शांत कराते हुए उन्हें मिस्टर मू पर गुस्सा करने के लिए मना करती है और कहती है कि अगर मेरी यही डेस्टिनी है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर मू कहते हैं कि आखिर ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और वो उन्हें बैड न्यूज देता है और बताता है कि एक लड़के ने वाइस लीडर को पीट दिया है और उनके 1st फ्लोर के पिल रिफाइनिंग रूम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। सर्वेंट की बात को सुनकर मिस्टर मू बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं और वो कहते हैं कि इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे हर्ब हॉल पर अटैक करे। और फिर वो वहां से बाहर जाने लगते हैं, जिस पर नालान पहले तो उन्हें रोकती है और फिर उन्हें उसके अंकल को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैल्म के 9th ग्रेड पर थे, जिस पर मिस्टर मू उनकी इस हेल्प के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद हमें हर्ब हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान चेन ने यून और वाइस लीडर को अच्छे से पीट दिया था। ये देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जियान चेन ने ये करके अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हर्ब हॉल अब जियान चेन को परेशान करके रख देगा और उसे छोड़ने वाला नहीं है। और वाइस लीडर भी जियान चेन को धमकाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी चाहे रेपुटेशन कुछ भी क्यों ना हो, अब हमारा हर्ब हॉल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर जियान चेन उससे कहता है कि लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है, लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और फिर वो बहुत तेजी से उसके सामने आ जाता है और अपने पैर से उसका सिर दबाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे हर्ब हॉल के लोग भी तुम्हारे जैसे बेशरम हुए तो मुझसे उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाते हैं, जो जियान चेन से उसकी बकवास बंद करने के लिए कहते हैं। मिस्टर मू को वहां देखकर यून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर मू को देखते ही जियान चेन समझ जाता है कि यही हर्ब हॉल के लीडर हैं। और तभी मिस्टर मू जियान चेन से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अब तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम हमारे हर्ब हॉल को कैसे तबाह करते हो। और यून भी जियान चेन से कहता है कि अब तुम्हारे लीडर भी यहाँ आ गए हैं, अब देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा। जिस पर जियान चेन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है, तो मिस्टर मू जियान चेन से कहते हैं कि तुम तो वाकई बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अगर तुमने अभी के अभी मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिस पर जियान चेन उनसे कहता है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका हाल ही में कोई टॉप क्वालिटी का प्रिमिटिव पिल्स का बैच गायब हुआ था। जिस पर वो थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि जहां तक मुझे याद है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर तभी वाइस लीडर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो जियान चेन उसके सिर पे पैर मारकर उसका मुंह कुचल देता है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जियान चेन बहुत ज्यादा क्रूएल है। और हम देखते हैं कि जियान चेन के ऐसा करने की वजह से उस वाइस लीडर के कई सारे दांत टूट जाते हैं। और जियान चेन उससे कहता है कि तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी, और अगर तुमने अगली बार बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। इस पर मिस्टर मू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियान चेन पर सीधे अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर जियान चेन भी अपने हुआंग कुआन बिलियो फिस्ट का यूज करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मिस्टर मू को बिलीव नहीं होता है कि जियान चेन ने अभी भी उनके इतने पावरफुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो ये भी समझ जाते हैं कि जियान चेन भले ही स्पिरिचुअल रैल के 1st ग्रेड पर क्यों ना हो, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो उनको भी डिफीट कर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो जियान चेन की पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैल के 1st ग्रेड पर होने के बावजूद भी 9th ग्रेड के वॉरियर को टक्कर देने की पावर रखता है। वैसे मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं वीडियोस काफ़ी टाइम तक ला नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पर डे 2 वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। और अब वापस से कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जियान चेन उनसे कहता है कि चलो ये सब छोड़ो और मुद्दे की बात करते हैं। और फिर उन्हें बताता है कि लिन ने मेरे साथ बैट लगाई थी जो वो हार गया, इसीलिए उसने मुझ पर टॉप क्वालिटी की प्रिमिटिव पिल्स चुराने का इल्जाम लगा दिया और वॉइस लीडर ने भी उसी का साथ दिया। और फिर उनसे पूछता है कि क्या आप अभी भी इन दोनों का ही साइड लेंगे। हम देखते हैं कि मिस्टर मू को जियान चेन पर बिलीव नहीं था,
इसीलिए वो वहाँ काम कर रहे दूसरे लोगों से इस बात को कन्फर्म करते हैं, जिस पर वो लोग भी सही बता देते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था। सच्चाई जानकर मिस्टर मू को वाइस लीडर और यून पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन पर चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ खड़े लोग भी अब इन दोनों को सजा देने के लिए उन पर टमाटर, अंडे और सड़ी गली पत्तियाँ फेंकने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर मू जियान चन के पास आते हैं और उसे गलत समझने के लिए उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि इन सब में हमारी ही गलती थी। ये सुनकर जियान चन कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये सब इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस पर वो जियान चन से इन सब का मतलब पूछते हैं, जिस पर जियान चन उनसे कहता है कि आपको कंपनसेशन के तौर पर मुझे दो चीज़ें देनी होंगी, जिसमें सबसे पहला 7-star मून ग्रास और दूसरा एक फाइनेंस होगा। इस पर मिस्टर मू जियान चन से कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो जियान चन उनसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ वो ब्लू फायर आर्मी का टोकन निकालते हुए कहता है कि अगर ये लोग आएंगे तो ये लोग अपने हिसाब से सेटल करेंगे। ब्लू फायर आर्मी का टोकन देखते ही मिस्टर मू जियान चन की हर एक कंडीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइज, मैंने देखा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और आगे आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस या फिर दूसरी सीरीज़ को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके अभी देखें और इन्जॉय करें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान चैन ने कंपनसेशन के तौर पर वाइस लीडर का 7-star मून ग्रास और उनके पास से एक फर्नेस देने के लिए कहा था, जिस पर वाइस लीडर इस बात के लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये कंपनसेशन कुछ ज़्यादा ही हाई था। जिस पर जियान चैन कहता है कि अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ वो ब्लू फायर आर्मी का टोकन निकाल लेता है और कहता है कि मेरी जगह ये लोग आकर आपसे कंपनसेशन ले लेंगे। ये देखकर ही वो लीडर घबरा जाते हैं और जियान चैन की हर एक कंडीशन के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो जियान चैन को अंदर चलने के लिए कहते हैं। तो वहीं लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जियान चैन के पास ब्लू फायर आर्मी का टोकन है और उन्हें नहीं पता था कि जियान चैन का बैकग्राउंड इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं हम नालान के अंकल को देखते हैं जो कि नालान से पूछते हैं कि क्या हमें मिस्टर मू की हेल्प करनी चाहिए, जिस पर उन रोक देती है और सही वक्त का इंतजार करने के लिए कहती है। वहीं जियान चैन अंदर जाने से पहले मिस्टर मू को यून और वाइस लीडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप शायद कुछ भूल रहे हैं, जिस पर मिस्टर मू भी समझ जाते हैं कि जियान चैन उनसे क्या कहना चाहता है। इसीलिए अब वो वहां पर अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं और वाइस लीडर और यून को उठाकर बाहर फेंकने के लिए कह देते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें दोबारा देखना नहीं चाहते थे। जिसके बाद उन्हें अपने हर्ब हॉल से एक्सपेल करते हुए उनके पिन रिफाइनर के लाइसेंस को भी रद्द कर देते हैं। अब ऑर्डर मिलते ही वो गार्ड्स भी वाइस लीडर और यून को उठाकर वहां से तुरंत ले जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर मू जियान चैन से कहते हैं कि क्या अब हम अंदर की तरफ चल सकते हैं, जिस पर जियान चैन खुश होते हुए उनके हार्ड वर्क के लिए उन्हें अप्रिशिएट करता है और उन्हें इस बात के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वो लोग हर्ब हॉल के अंदर आ जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद हमें हर्ब हॉल के एल्केमी रूम को दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर मून ने जियान चैन को 7-star मून ग्रास दे दिया था और उसे पूछते हैं कि क्या आप तुम सेटिस्फाई हो, जिस पर जियान चैन कहता है कि हाँ, ये 7-star मून ग्रास बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये सेकंड ग्रेड फर्नेस भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। ये सुनकर ही मिस्टर मू का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उनके पास ये सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन फर्नेस था। जियान चैन की बात को सुनकर नालान के अंकल कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जिस पर नालान उनसे कहती है कि शायद आपने देखा नहीं, इस लड़के के पास हाई कल्टीवेशन बेस के साथ साथ पिल रिफाइनर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, इसीलिए हमें इसे अपने क्लैन में रिक्रूट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये हमारे लिए काम कर सके, जिस पर वो इस बात के लिए मना कर देते हैं और उसे अपनी हेल्थ पर फोकस करने के लिए कहते हैं। वहीं उनकी बातें जियान चैन भी सुन रहा होता है और जैसे ही नालान की नजर जियान चैन पर जाती है, वो तो वो देखती है कि जियान चैन लगातार उसे ही घूरे जा रहा है और जरा भी उससे नजर नहीं हटा रहा है। ये देखकर वो एकदम शर्मा जाती है और काफी एम्बैरेस फील करने लगती है, इसीलिए वो जियान चैन से कहती है कि तुम इस तरीके से मुझे लगातार क्यों घूरे जा रहे हो, जिस पर उसका अंकल भी उसके सामने आते हुए जियान चैन से कहता है कि अगर तुमने अभी भी इसे घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा गोटियां, जिस पर जियान चैन एक लंबी सी सांस लेता है और नारायण को बताता है कि तुम्हारे जन्म से ही तुम कार्डियक डिस्प्लेसिया, खराब ब्लड और क्विक सर्कुलेशन से सफर कर रही हो, अगर तुमने जल्दी से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया तो तुम इसकी वजह से मारी भी जाओगी। इस पर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि जियान चैन को नालान के बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया, जबकि उसने उसे ना ही ढंग से देखा और ना ही उसे टच किया था। वहीं सभी को लगता है कि शायद जियान चैन नालान को इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन तभी नालान के अंकल जियान चैन के पैरों में गिर जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो नालान का ट्रीटमेंट कर दे ताकि उसकी जान बच जाए।
और उसके बदले में वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे। अब ये सब देखकर सभी लोगों को बिलीव होने लगता है कि शायद जियान जियान के पास डॉक्टरी की भी नॉलेज है। तभी नालान अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें उठाते हुए कहने लगती है कि आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिस पर वो उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जब तक जियान चैन ये प्रॉमिस नहीं कर देता है कि वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा तब तक वो नहीं उठेंगे। और जब जियान चैन ये देखता है कि नालान के अंकल नालान के लिए इतने ज्यादा लॉयल हैं तो वो खुश जाता है और कहता है कि मैं इस यंग लेडी को क्योर करने के लिए अपने कुछ मिनट तो खर्च कर ही सकता हूँ। जिस पर मिस्टर मू कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो जियान चैन उनसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ नालान को क्योर करने के लिए एक थर्ड ग्रेड पिल रिफाइनर को भी अपने कई महीनों को वेस्ट करते हुए अपनी डैन फायर के साथ इसके हार्ट वेन को स्लोली स्लोली क्योर करना होगा। जिसके जवाब में जियान चैन कहता है कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगर मैंने इस तरीके से इसे ट्रीट किया तो ये पक्का मारी जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम सेकंड ग्रेड पिल रिफाइनर बन कैसे गए। जियान चैन की ये बात मिस्टर मू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्सा करते हुए जियान चैन से कहते हैं कि मैंने 8 साल की उम्र में ही पिल रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था और मैं सिर्फ 15 साल की उम्र में ही फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइनर बन गया था और 30 साल की उम्र में सेकंड ग्रेड पिल रिफाइनर भी बन गया था और तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। जिस पर जियान चैन उनका ही मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर ये बताओ कि तुम उसके बाद कुछ भी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर पाए और थर्ड ग्रेड पिल रिफाइनर क्यों नहीं बन पाए, तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर मिस्टर मू चले सदमे में चले जाते हैं, जिस पर उनके डिसाइपल्स उन्हें संभालते हैं और उन्हें लगता है कि मिस्टर मू तो निकल लिए इसीलिए वो वहां रोने लगते हैं। इस पर जियान चैन अपना माथा पीटने लगता है और कहता है ये आदमी तो नौटंकी में गोल्ड मेडलिस्ट है। तभी नालान के अंकल उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो नालान का ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करेगा, जिस पर जियान चैन उन्हें सबसे पहले शैन वांग हर्ब 2 पाउंड जिंग लुओ राइस और 250 ग्राम जिगजिन वाइन को अरेंज करने का कहता है, जिस पर नालान के अंकल भी इन मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए जाने लगते हैं। तभी मिस्टर मू भी चिल्लाते हुए उठ जाते हैं। अब मुर्दा को जिंदा होता देख उसके सर्वेंट्स और उसके डिसाइबल्स वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद जियान चैन उनसे कहता है कि वाओ आप तो जिंदा हो गए, जिस पर वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इन सभी हर्ब्स को मिक्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारा ये प्रिस्क्रिप्शन काम करेगा, जिस पर जियान चैन कहता है ये तो बस एक टेम्परेरी डिस्क्रिप्शन है, इसे मैंने नालान की कंडीशन को देखते हुए बनाया है। इस पर वो जियान चैन पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 3 डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए दशकों लग गए और तुम्हें पिल रिफाइनिंग का भी कुछ ही सालों का एक्सपीरियंस है, बावजूद इसके तुम एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हो, तुम्हारी इरेस्पॉन्सिबिलिटी इस लड़की की जान लेकर रहेगी। जिस पर जियान चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले मैं इसे क्योर कर दूं, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं इसे मारने वाला हूं या इसे बचाने वाला हूं। फिर वो उस पिल को तैयार करके नालान को दे देता है, जिसे लेते ही नालान को कुछ फील होने लगता है और उसके अंकल उससे पूछते हैं कि क्या ये मेडिसिन काम कर रही है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने अंकल को बताती है कि आज उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके शरीर में चारों तरफ बिजली दौड़ रही हो और उसे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। नालान को इतना ज्यादा खुश देखकर उसके अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद जियान चैन मिस्टर मू से कहता है कि अब आप कन्विंस हैं या नहीं, जिस पर अब मिस्टर मू भी अपनी हार मान जाते हैं और जियान चैन से कहते हैं कि हाँ मैं गलत था और फिर जियान चैन के सामने तुरंत ही झुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बात सुनकर ही जियान चैन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मिस्टर मू फिर से जियान चैन से कहने लगते हैं कि मैं सच में आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर लीजिए। ये देखकर नारायण के अंकल कहते हैं कि मिस्टर मू इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी जियान चैन को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस पर वो कहती है कि मिस्टर मू बेवकूफ नहीं है, इतनी यंग एज में भी इस लड़के के पास पिल रिफाइनिंग की इतनी हैवी स्किल्स हैं, इसीलिए उनके पास एक स्ट्रांग मास्टर होना चाहिए जो कि उन्हें गाइडेंस दे और अगर मिस्टर मू जियान चैन के डिसाइपल बन जाते हैं तो उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, जिस पर उसके अंकल खुश होते हुए कहते हैं कि वाओ तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जिस पर वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम है, अगर जियान चैन ने मिस्टर मू को एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया तो वो हार्फ हॉल से अटैच हो जाएगा और उसे नहीं लगता है कि उसके बाद वो उसके क्लैन को भी ज्वाइन करेगा। तभी जियान चैन मिस्टर मू से पूछता है कि क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड ग्रेड पिल रिफाइनर हूँ और मैं तुमसे गाइडेंस लेकर फर्स्ट थर्ड ग्रेड पिल रिफाइनर बनना चाहता हूँ। तो जियान चैन उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम मेरे डिसेबल बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनते ही तीनों लोगों के होश उड़ जाते हैं कि जियान चैन क्या कह रहा है। अब मिस्टर मू अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं ब्लू फायर सिटी का नंबर 1 पिल रिफाइनर हूँ और अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो जरा आप बताएंगे कि आपका डिसेबल बनने के लिए कौन क्वालिफाइड है, जिस पर अब जियान चैन सीधे पॉइंट पर आते हुए उससे कहता है कि मेरा डिसेबल बनने के लिए वही क्वालिफाइड है जो कि अपनी सिर्फ 20 साल की एज में ही 4th ग्रेड का पिल रिफाइनर बन चुका हो। तो मिस्टर मू कहते हैं कि हमारे पूरे स्टेट में यंगेस्ट 4th ग्रेड पिल रिफाइनर 55 साल से ऊपर का है और इस हिसाब से तो तुम्हारा डिसेबल बनने के लिए कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, जिस पर जियान चैन उनके पास से निकलते हुए कहता है एग्जैक्टली मैं भी तो यही कह रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर मिस्टर मू को बहुत ज्यादा गुस्सा
आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहीं जियान चैन सोच रहा होता है कि कैसे वो अपनी प्रीवियस लाइफ में अपने डिसिपल्स में से एक को डिवाइन रियल्म में डैनपिल एम्परर बनने के लिए ट्रेन किया करता था, और वो किसी गॉड से कम भी नहीं था। बट अब उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा पिल रिफाइनर उसके डिसिपल्स एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया पर सवाल उठा रहा था। जिसके बाद वो अपनी सॉर्ड लेता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर तभी नालान उसे रोक लेती है। तो जियान चैन उससे पूछता है कि अब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। तो नालान उससे कहती है कि मिस्टर लिंग, आपने मेरी जिंदगी को बचाया है, प्लीज अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए ताकि हमारा क्लाइंट आपकी काइंडनेस के लिए आपको रीपे कर सके। जिस पर जियान चैन उसे इन सब के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी एक छोटा सा फेवर था। जिसके बाद जियान चैन उससे अलविदा लेकर वहां से चला जाता है। तो वहीं हम नालान को देखते हैं जो जियान चैन को जाते देखकर बहुत ही ज्यादा सैड होती है और कहती है कि काश हम फिर से दोबारा मिल सकें। और उसकी इसी विश के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमने लास्ट टाइम देखा था कि नालान ने जियान चैन से उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी थी ताकि उसका क्लैन उसकी काइंडनेस को रीपे कर सके। जिस पर जियान चैन वहां से मना करते हुए चला जाता है कि उसे इन सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो भी किया वो उसका फ़र्ज था। जिसके बाद जियान चैन वहां से चला जाता है। उसे जाता देख नालान मनी मन सोचती है कि काश मैं इससे दोबारा मिल पाऊं। हर हॉल से निकलने के बाद जियान चैन को डार्क 11 मिल जाता है, जिससे जियान चैन पूछता है कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही। जिस पर वो कहता है कि मैं तो यहां काफी टाइम पहले ही वापस आ गया था, आप कहां पर गए थे, मैं आपको काफी टाइम से ढूंढ रहा था। जिस पर जियान चैन कहता है कि मैं तो बस हर्ब हॉल में शॉपिंग करने गया था। हर्ब हॉल का नाम सुनकर डार्क 11 उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि हर्ब हॉल में किसी ने तबाही मचा दी और पूरे हर्ब हॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या आपने उसे देखा है। जिस पर जियान चैन उसे बता देता है कि वो इंसान मैं ही हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर लिंग, आपने पूरे हर्ब हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बावजूद इसके भी आप बिल्कुल सेफली बाहर आ गए। जिस पर जियान चैन उसे ये सब नौटंकी बंद करके जल्द से जल्द ब्लू फायर आर्मी तक ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट रहा होता है। तभी वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ गए। और हम देखते हैं कि वहां पर डार्क 11 जियान चैन को लाया होता है और उस आदमी के सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैं वापस आ गया हूं। साथ ही साथ वो ने बताता है कि ये वही जियान चैन है जिससे आप मिलना चाहते थे। जिस पर वो लॉर्ड जियान चैन से पूछने लगता है कि क्या तुम इन्हें क्योटिंग माउंटेन में उस सॉर्ड बैरियर को ब्रेक किया था। जिस पर जियान चैन हामी भर देता है और सोचने लगता है कि ये आदमी तो एशियाटिक सॉर्डमैन है जो कि काफी रेयर होते हैं। तभी हम उस लॉर्ड को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए अपने सॉर्ड मॉन्यूमेंट को बाहर निकाल लेता है और जियान चैन से कहता है कि मैं ब्लू फायर आर्मी का सुपरवाइजर हूं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे अभी तक रिस्पेक्ट नहीं दी। अपने लॉर्ड को गुस्से में देखकर डार्क 11 डर के मारे जियान चैन से उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कहता है। जिस पर जियान चैन उस लॉर्ड से कहता है कि तुमने मुझे अपने सॉर्ड मॉन्यूमेंट की पावर दिखा के अपने सामने झुकाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम मेरी पावर देखोगे। और इसी के साथ वो अपने सॉर्ड मॉन्यूमेंट को बाहर निकाल लेता है जो कि उस लॉर्ड के सॉर्ड मॉन्यूमेंट से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बड़ा होता है। जियान चैन के सॉर्ड मॉन्यूमेंट को देखकर डार्क 11 के भी होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि जियान चैन का सॉर्ड मॉन्यूमेंट उस लॉर्ड के सॉर्ड मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर उसे बिलीव नहीं होता है कि जियान चैन उससे ज्यादा पावरफुल है। तभी उसे क्लिक होता है कि जियान चैन का सॉर्ड मॉन्यूमेंट कोई सॉर्ड मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि वो सॉर्ड इंटेंट है। इस पर जियान चैन कहता है कि सही समझे, मेरे पास सॉर्ड मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि सॉर्ड इंटेंट है। ये सुनते ही वो लॉर्ड अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सॉर्ड मॉन्यूमेंट को मास्टर करने के लिए दशकों ट्रेनिंग की है, लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही हायर लेवल का सॉर्ड इंटेंट मौजूद है और मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाकर अपनी सॉर्डमैनशिप तुम्हें विरासत में देने की सोच रहा था। तो जियान चैन उससे कहता है कि अगर मेरे पास सॉर्ड इंटेंट नहीं भी होता तब भी मैं तुम्हारी सॉर्डमैनशिप को इनहेरिट नहीं कर सकता था, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वो पूरी तरीके से गलत है। जियान चैन की बात को सुनकर उस लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सॉर्ड निकाल लेता है, जिसके साथ वो अपनी कई सारी स्पिरिचुअल सॉर्ड बनाकर उन लोगों के ऊपर तान देता है। अब अपने लॉर्ड को फिर से गुस्से में देखकर डार्क 11 बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद वो भी मरने वाला है। तभी वो लॉर्ड जियान चैन से कहता है कि यंग मैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है तो तुम मेरी सॉर्डमैनशिप की इंसल्ट कर सकते हो जो तुमने कहा है। अगर उसके बारे में मुझे कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो तुम यहां से आज के बाद कभी जिंदा वापस नहीं लौटोगे। इस पर डार्क 11 और ज्यादा घबरा जाता है और जियान चैन को लॉर्ड ज़ाओ से माफी मांगने को कहता है, क्योंकि लॉर्ड ज़ाओ की बैटल पावर रैंकिंग में टॉप 3 में आती है। इस पर जियान चैन उससे कहता है कि डोंट वरी, ये हमें हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद जियान चैन लॉर्ड ज़ाओ से कहने लगता है कि तुम्हें आजकल ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे तुम्हारी सॉर्ड से तुम्हारा कंट्रोल जा रहा है और तुम पागल हो रहे हो। ये सुनते ही लॉर्ड ज़ाओ हैरान हो जाते हैं और जियान चैन से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। इस पर जियान चैन उन्हें बताता है कि एशियाटिक सॉर्ड मैन अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने माइंड को हार्ड शेप देते हैं, वहीं तुम अपने कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करने के लिए सॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करते हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्दी पागल हो जाओगे। जियान चैन की बात को सुनकर ही
लॉर्ड ज़ाओ को बिलीव हो जाता है कि जियान चेन सही कह रहा है, क्योंकि उनके मास्टर इसी तरीके से पागल होकर मारे गए थे। इसीलिए वो अपने घुटनों पर आते हुए जियान चेन से उन्हें गाइड करने के लिए कहते हैं। ये देखते ही डार्क इलेवन के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि लॉर्ड ज़ाओ ब्लूफायर आर्मी के सुपरवाइजर होने के साथ साथ डार्क शैडो एनफोर्समेंट टीम के लीडर भी है। वही जियान चेन लॉर्ड ज़ाओ से कहता है कि अब चूंकि डार्क इलेवन मेरा फ्रेंड है और आप उसके लॉर्ड हैं, इसीलिए मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इस पर लॉर्ड ज़ाओ जियान चेन का शुक्रिया अदा करते हैं और डार्क इलेवन से कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल होगे। इस पर डार्क इलेवन खुश हो जाता है और उन्हें इसके लिए थैंक यू बोलता है और मनीमन सोचता है कि वो कितना लकी है जो वो जियान चेन से मिला। फिर जियान चेन कहता है कि मैं आपको सिक्स रियल्म हार्ट रिफाइनिंग फार्मूला देने वाला हूँ जो आपको आपके करंट स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर करने के लिए इनफ माइंड पावर देगा। जिस पर लॉर्ड ज़ाओ भी रेडी होते हुए जियान चेन को शुरू करने के लिए कहता है, जिस पर जियान चेन अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और सिक्स रियल्म हार्ट रिफाइनिंग फार्मूला को लॉर्ड ज़ाओ को देने लगता है और इसी के साथ वो अपनी कुछ एन्चेंटिंग भी स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हार्ट रिफाइनिंग फार्मूला लॉर्ड ज़ाओ के अंदर ट्रांसफर होने लगता है और इसी के साथ उनके आसपास एक गोल्डन कलर का ऑरा छा जाता है। लॉर्ड ज़ाओ के ऑरा की वजह से वो पूरा टेंपल शेक करने लगता है, जिसे देखकर जियान चेन एन्चेंटिंग करना रोक देता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ाओ के आसपास बहुत सारा गोल्डन कलर का ऑरा छा गया था जो कि सॉर्ड इंटेंट होता है। ये देखकर डार्क इलेवन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके मास्टर ने बस कुछ ही देर में सॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया था और उसे अभी भी इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। इसके बाद लॉर्ड ज़ाओ जियान चेन को उसकी हेल्प के लिए और उसकी काइंडनेस के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर जियान चेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे एक छोटी सी हेल्प थी। जिस पर लॉर्ड ज़ाओ जियान चेन से कहता है कि मुझे पता है कि आप फायर ड्रैगन का ब्लड एसेंस ढूंढ रहे हैं और मुझे पता है कि आपको वो कहां मिलेगा। इस पर जियान चेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को लोग देखते तो बहुत हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले सीन में हमें ब्लू फायर आर्मी कैंप के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहां जियान चेन ब्लू फायर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आया था, क्योंकि लॉर्ड ज़ाओ ने जियान चेन को बताया था कि कुछ ही दिनों में हाउटियन सेक्ट यहां पर अपने नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए आएगी, जिसमें टॉप 10 लोगों को फायर ड्रैगन का ब्लड एसेंस भी मिलेगा। लेकिन इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले ब्लू फायर आर्मी के मार्शल आर्ट कंपटीशन में टॉप 3 की रैंक पानी होगी। अभी जब जियान चेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की भागती हुई आती है और वो जियान चेन से टकराने की वजह से नीचे गिर जाती है और वो गुस्सा होते हुए जियान चेन से कहती है कि क्या तुम अंधे हो, अभी कभी माफी मांगो वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर जियान चेन उससे कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं यहाँ काफी टाइम से एक ही जगह खड़ा हूँ। और डार्क इलेवन भी उस लड़की से कहता है कि एक तो तुम ही आके टकराई, ऊपर से माफी मांगने की जगह बतमीजी दे रही हो। इस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बाकी लोगों से पूछ लो। जिस पर एक ओल्ड मैन आगे आते हुए उस लड़की से कहता है कि मैंने साफ साफ देखा कि तुम खुद ही आकर उस लड़के से टकरा रही थी, इसमें तुम्हारी गलती है। जिसके बाद वहां खड़े लोग भी उसी को ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने साफ साफ देखा है कि वो लड़की खुद आकर टकराई थी। इस पर वो लड़की गुस्सा होते हुए चिल्लाने लगती है और सभी को बताती है कि उसका नाम लियू ली है और वो लियू काई की सिस्टर है और वो उन लोगों से दोबारा इन सब के बारे में पूछती है, जिस पर लोग घबरा जाते हैं और जियान चेन को भी ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आपने कुछ नहीं किया है, ये लड़का ही था जो भाग कर आया और आपसे टकरा गया। तो जियान चेन डार्क इलेवन से कहता है कि ये लड़की तो जेन्युइन रियल्म के थर्ड ग्रेड पर है, फिर भी लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं और आखिर ये लियू काई कौन है। तो डार्क इलेवन जियान चेन को बताता है कि लियू काई लियू फैमिली के हेड की डॉटर हार्ब हॉल के लीडर की लास्ट डिसाइपल और ग्रैंड कमांडर के पर्सनल डिसाइपल ली यून फैंग की फियांसे है, इसीलिए लियू काई इतनी ज्यादा एरोगेंट है और वो अपने सिस्टर के स्टेटस का गलत फायदा भी उठाती है। तभी लियू ली जियान चेन के पास आती है और उस पर फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है कि तुमने क्या सोचा, क्या चाहते हो, क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो या फिर मैं अपने लोगों को बुलाकर तुम्हारी टांगे तोड़वा दूं। पर वहां खड़े सभी लोग भी लियू ली को सपोर्ट करते हुए जियान चेन को प्रेशराइज करने लगते हैं कि वो उससे माफी मांगे। इस पर जियान चेन को गुस्सा आ जाता है और वो लियू ली से कहता है कि लगता है तुम्हें अच्छे से सब सिखाना ही होगा, जिसके बाद वो लियू ली को स्लैप कर देता है। उसके स्लैप की वजह से लियू ली काफी दूर जा गिरती है, ये देखकर सभी के ऊपर तो मानो बिजलियां गिर जाती हैं, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जियान चेन इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। और वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि शायद इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये लियू ली से जरा भी नहीं डरा। लियू ली को गिरा देखकर उसके सर्वेंट्स भागकर उसके पास जाते हैं। वहीं हम लियू ली को देखते हैं जिसके चेहरे पर जियान चेन की पांचों उंगलियां छप चुकी थी। ये देखकर लियू ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सर्वेंट्स को जियान चेन के हाथ पर तोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बाद जियान चेन को वो एक डंजन में बंद कर देगी और दिन रातों से तड़पाएगी। इस पर वो सभी यस बोलते हुए जियान चेन की तरफ बढ़ने लगते हैं
और वो सुनहरे सपने सजाने लगते हैं कि अगर वो जियान चैन को खत्म कर देंगे तो जरूर लियोली उनके प्यार में पागल हो जाएगी। इस पर जियान चैन उन्हें एडवाइस देता है कि वो सभी अपनी यहाँ से जान बचा कर निकल जाएं, लेकिन वो सभी बेवकूफ जियान चैन पर ही अटैक करने लगते हैं। इस पर जियान चैन भी उन सभी को मौका नहीं देता है क्योंकि वो सभी एक स्टूपिड वूमेन की बात मान रहे थे और उसी के साथ वो अपनी वन क्वान बिलियो फिस्ट का यूज कर देता है जिसके बाद वो सभी मारे जाते हैं। ये देखकर उस लड़की को समझ में नहीं आता है कि जियान चैन उसके पीछे क्यों पड़ा है, जिसके बाद जियान चैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। ये देखकर वो लड़की जियान चैन को धमकाने लगती है और कहती है कि मेरी बहन लियू काई और मेरे ब्रदर इन लॉ लियून फेंग है और उन्हें पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस पर जियान चैन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मेरी टांगों को तोड़ने वाली हो और अब मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, जिसके बाद वो उसके चेस्ट पर पैर रख देता है जिसकी वजह से वो बहुत तेज चीखने लगती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि जियान चैन ने लियूली का एलेक्जर फील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसकी वजह से अब वो पावरलेस हो चुकी थी। जिसके बाद जियान चैन डार्क इलेवन को वहां से चलने के लिए कहता है और जब जियान चैन वहां से जाने लगता है तो लियूली पीछे से जियान चैन से कहती है कि आज जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदलाव मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ तुमसे जरूर लेंगे और तुम्हें मुझसे हजार गुना ज्यादा तड़पाएंगे, जिसके जवाब में जियान चैन कहता है कि मैं उस दिन का जरूर वेट करूंगा। और हम देखते हैं कि जियान चैन लियून फेंग को खत्म करना चाहता था क्योंकि वो लिटियान लॉन्ग का बेटा था और उसकी उससे पर्सनल दुश्मनी थी। जियान चैन को जाता देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जियान चैन ने एक ही बार में लियूली की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं वो ओल्ड मैन भी कह रहा होता है कि इस ब्लू फायर सिटी में काफी टाइम से बहुत ज्यादा शांति थी, लगता है कि अब कोई तूफान आने वाला है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सीन में हमें ब्लू फायर आर्मी कैंप के कॉम्पिटिशन फील्ड को दिखाया जाता है। वहीं हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए थे और अब जियान चैन भी यहां आ जाता है और वो देखता है कि यहां पर कई सौ लोग आए हुए थे, लेकिन वो जानता था कि यहां पर सिर्फ 100 लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा। तभी जियान चैन को कोई पीछे से बुलाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का होता है, इसका नाम चैन डियान यू होता है और ये जियान चैन से कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने लियूली के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, वाकई तुम काबिल तारीफ हो। जैसे ही जियान चैन उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखता है तो वो हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम चैन डियान यू है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो और इसके बदले में मैं तुम्हें ये टेस्ट पास करवा दूंगा, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, जहां से हमने एपिसोड खत्म किया था ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है। हमने देखा था कि चैन टियान यू ने जियान चैन को एक ऑफर दिया था कि अगर वो उसके लिए काम करे तो वो जियान चैन को ये टेस्ट इजीली क्लियर करवा देगा, जिसके जवाब में जियान चैन कहता है कि वो इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो उसका साइडकिक बन जाएगा। इस पर चैन टियान यू जियान चैन से कहता है कि ल्यू फैमिली आज नहीं तो कल तुम्हें ढूंढ लेगी और तुम्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तो जियान चैन उससे कहता है कि मुझे किसी बैकअप की जरूरत नहीं है, मैं इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इस पर चैन टियान यू को जियान चैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां पर एग्जामिनर आ जाता है जो उसे चुप करा देता है और सभी लोगों को एक लाइन में लगने के लिए कहता है, वरना वो उन सभी को वहां से बाहर निकाल देगा। ये सुनते ही सभी लोग भागकर लाइन में लग जाते हैं और जैसे ही सभी लोग लाइन में लगते हैं तो वहां पर शांति छा जाती है, जिसके बाद एग्जामिनर सभी लोगों को बताते हैं कि उनका नाम येन हाओ है और बताते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जीनियस को ही एक्सेप्ट किया जाता है, लूजर्स को नहीं। और फिर एग्जामिनर येन हाओ अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लेते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि अगर एग्जाम के बीच किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। और इसी के साथ वो अपने मर्डरस ऑरा को भी निकाल लेते हैं। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वहां से कई लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। इसके बाद वहां पर वही लोग बच जाते हैं जो कि सही मायने में टेस्ट को देना चाहते थे। तो वहीं जियान चैन जैसे ही येन हाओ के मर्डरस ऑरा को देखता है तो वो समझ जाता है कि येन हाओ उनके टेस्ट ले रहा था और ये टेस्ट का लेवल 1 था। तभी चैन टियान यू जियान चैन से कहता है कि कहीं तुम्हें ये देखकर डर तो नहीं लगने लगा, जिस पर जियान चैन कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ये देखकर उसे लगता है कि शायद जियान चैन डर रहा है लेकिन किसी को शो नहीं करना चाहता है। तभी उसका साथी उसे सामने की तरफ देखने के लिए कहता है। वो देखता है कि एग्जामिनर येन हाओ ने अपने ऑरा को कम कर लिया है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी को मारने वाले नहीं है। तभी एग्जामिनर येन हाओ मुस्कुराते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर लिया है। इस पर चैन टियान यू भी थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग वहां से भागे थे अब वो वापस आने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये सब बस एक नाटक था। लेकिन एग्जामिनर येन हाओ उन लोगों को वहां से भागा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहां आके दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि ब्लू फायर आर्मी में उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जाता है जो कि सही मायने में जीने से और बहादुर होते हैं। लेकिन ये लोग यहां से भाग गए थे इसीलिए ये
लोग बहादुर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है और ये बैटलफील्ड से भी भाग सकते हैं। और अब जो लोग फेल हो चुके थे उन सभी को वहां से निकाल दिया जाता है। इसीलिए वो लोग माथा पकड़ के रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सब एक टेस्ट था। इधर चैंटियन यू ज़ियानचेन के पास आता है और उससे कहता है कि अभी एक और लेवल बाकी है और अगर वो चाहे तो वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन ज़ियानचेन इस बार भी उसे मना कर देता है। तभी सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ लोगों को लाया गया होता है जो कि आयरन वुल्फ विलेज के बैंडिट्स होते हैं और लोगों ने काफी इविल क्राइम्स भी किए होते हैं। अब एग्जामिनेरियन हाउस सभी लोगों को उनका टास्क देते हैं और बताते हैं कि इन सभी बैंडिट्स के गले में वुडन प्लेट्स लगी हुई हैं और जो पहले 100 लोग इनको कलेक्ट कर लेंगे वो इस टेस्ट को पास कर जाएंगे। इस पर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि ये सारे क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए वो लोग अपनी अपनी टीम्स और ग्रुप्स बनाने लगते हैं। वहीं हम ज़ियानचेन को देखते हैं जो कि इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तभी एग्जामिनेरियन हाउ क्रिमिनल्स को उनकी हथकड़ियों की चाबियां दे देते हैं और उन्हें बताते हैं कि जितनी जल्दी तुम 5 लोगों को मार दोगे उतनी जल्दी तुम यहां से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। इस पर सभी लोग अपनी अपनी हथकड़ियां खोल लेते हैं और उन पार्टिसिपेंट्स को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। जिसके बाद एग्जामिनेरियन हाउ आखिरी बार सभी लोगों को बताते हैं कि ये टेस्ट लाइफ और डेथ का टेस्ट होने वाला है और ये सिर्फ आधे घंटे का होगा, जिसके बाद इस टेस्ट को स्टार्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ वो सारे बैंडिट्स और ये सभी पार्टिसिपेंट्स भी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने लगते हैं। तो वहीं ज़ियानचेन को देखते हैं जो कि लगातार उन बैंडिट्स को खत्म कर रहा होता है, जिसके बाद ज़ियानचेन एक क्रिमिनल के पास जाता है और देखता है कि उसके गले में अभी भी वो वुडन प्लेट पड़ी हुई है और जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक तीर चला जाता है, लेकिन ज़ियानचेन बड़ी स्पीड में उससे बच जाता है। हम देखते हैं कि ये तीर चैंटियन यू ने चलाया था, जिसे देखकर ज़ियानचेन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वहीं ये देखकर एक गार्ड एग्जामिनेरियन हाउ को बताता है कि चैंटियन यू ने ज़ियानचेन पर अटैक करने की कोशिश की है जो कि रूल्स के खिलाफ है, जिस पर वो इस टेस्ट को इंटरप्ट करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो चैन फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते थे। अब चैंटियन यू फिर से ज़ियानचेन को उसे सामने सबमिट करने के लिए कहता है, वरना वो उसे एक भी वुडन प्लेट को टच नहीं करने देगा। इस पर वो हंसने लगता है और ज़ियानचेन से कहता है कि मैं यहीं खड़ा हूं, अगर दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। इस पर ज़ियानचेन को भी गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता हूं। अब उसकी बातें सुनकर ज़ियानचेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए अब ज़ियानचेन बहुत ही स्पीड के साथ चैंटियन यू की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही चैंटियन यू देखता है कि ज़ियानचेन उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो अपने लोगों को ज़ियानचेन पर एरो शूट करने के लिए कहता है और जैसे ही उसके लोग एक साथ ज़ियानचेन पर एरो शूट करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़ियानचेन उसके सभी एरोज को इजीली डॉच करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो सभी लोगों से फिर से एरो शूट करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार ज़ियानचेन उन्हें जरा भी मौका नहीं देता है और बहुत ही तेजी से उन सभी को खत्म करने लगता है और बस कुछ ही देर में सबकी लाशें गिरा देता है, जिसके बाद वो चैंटियन यू के सामने आता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे कहता है कि अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। लेकिन चैंटियन यू को अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ज़ियानचेन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी ज़ियानचेन उससे कहता है कि अब तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये देखकर वो भी अपनी सॉर्ड निकाल लेता है और ज़ियानचेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो ज़ियानचेन पर अटैक करता है तो ज़ियानचेन उसके अटैक को इजीली डॉच कर देता है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाता है। तभी ज़ियानचेन उससे कहता है कि तुम्हारी शॉटमैनशिप इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, एकदम ट्रैश है, जिसके बाद वो अपनी हुआन क्वान बिलियो फिस्ट का यूज करते हुए उसके चेस्ट पर एक जोरदार पंच मार देता है। ज़ियानचेन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियां करते हुए नीचे धड़ाम करके गिर जाता है। ये देखकर एग्जामिनेरियन हाउ भी गुस्से में आ जाता है और उनका गार्ड उनसे कहता है कि क्या हमें ज़ियानचेन को रोकना चाहिए, आफ्टर ऑल चैंटियन यू चैन फैमिली के मेंबर हैं। अब ज़ियानचेन चैंटियन यू से कहता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं किसी भी ट्रबल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम बार बार मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे और अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस पर अब ये महाशय भी ज़ियानचेन को धमकी देते हुए कहते हैं कि मैं चैन फैमिली का मेंबर हूँ और चैंटियन हाउ मेरा कजन है, अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेरियन हाउ भी ज़ियानचेन को रुकने की ऑर्डर देने लगते हैं, जिस पर ज़ियानचेन अपनी सॉर्ड को यूज करते हुए उनसे थोड़ा लाउड बोलने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब उस बात का कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि ज़ियानचेन ने चैंटियन हाउ की गर्दन पर अपनी सॉर्ड चला दी थी और वो वहीं मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज़ियानचेन ने भी कुछ ही देर पहले ल्यू ली को खत्म कर दिया था और अब चैंटियन यू को खत्म कर दिया है। लगता है जैसे वो इन सबसे बदला लेने के लिए ही आया था। चैंटियन यू के मरने की वजह से एग्जामिनेरियन हाउ ज़ियानचेन
से गुस्सा हो जाते हैं और वो जियानचेन के पास आ जाते हैं। ये देखकर जियानचेन उनसे कहता है, एग्जामिनर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस पर वो जियानचेन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे रुक जाने के लिए कहा था, फिर भी तुम रुके क्यों नहीं। जिस पर जियानचेन कहता है कि आपने मुझसे रुकने के लिए कहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर इसके बाद वो एग्जामिनर से कहता है कि आपने उसे उस वक्त क्यों नहीं रोका जब उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझ पर एरो शूट किए। क्यों? क्योंकि वो चैन फैमिली का फैमिली मेंबर है, और अगर ऐसी ही बात है तो इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, आपने उसे पहले ही नंबर वन अनाउंस कर देना चाहिए था। तो एग्जामिनर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर ज्ञानचंद कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, और अगर तुमने ज्यादा मुंह चलाया तो मैं तुम्हें भी चैन टियानयू के पास भेज दूंगा। इस पर एग्जामिनर मुंह बंद करते हुए वहां जाने लगता है और मनी मन ज्ञानचंद से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को तुरंत वहां बुलाता है और उससे किसी को बुलाने के लिए कहता है। जिसके कुछ देर बाद हम एक बैंडिट को देखते हैं जो कि अपने सामने आने वाले हर एक पार्टिसिपेंट को खत्म करे जा रहा था, वो भी बिना किसी वेपन के, जिसे देखकर बाकी पार्टिसिपेंट की हालत खराब थी क्योंकि उसे रोक पाना उनके बस का नहीं था। ये बैंडिट आयरन फोर विलेज का लीडर था और ये जानता था कि एग्जामिनर ने अभी जो भी उससे कहा है कि वो उसे छोड़ देगा वो बिल्कुल भी सच नहीं है, इसीलिए वो वहां से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि चैन फैमिली से होते हैं और वो उसे छोड़कर बाकी सभी लोगों को वहां से बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उससे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहते थे। ये सुनकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को वहां से भागना था ताकि वो अपनी इससे जान बचा सकें। चैन फैमिली को वहां पर देखकर आयरन वुल्फ विलेज का लीडर उनसे पूछता है कि तुम लोग यहां क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तो उसके पूछने पर चैन फैमिली के लोग बताते हैं कि उसे किसी को मारना होगा और उसके बदले में वो लोग उसे वहां से फ्री ही नहीं करेंगे बल्कि वो लोग उसे चैन फैमिली में एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे चैन फैमिली का नेम भी देंगे। ये सुनकर ही आयरन वुल्फ विलेज का लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें किसे खत्म करवाना है। जिस पर वो लोग जियानचेन की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं और उसे बताते हैं कि यही है जिसे हमें खत्म करवाना है। जिस पर वो कहता है कि तुम बस अपने प्रॉमिस को याद रखना, और फिर डील डन करके वो सीधे जियानचेन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि जियानचेन को मरवाना ही उनका मेन मकसद था, क्योंकि अभी जियानचेन ने चैन टियानयू को जो खत्म कर दिया था। इधर हम जियानचेन को देखते हैं जो कि एक और बैंडेड को खत्म कर देता है और फिर उसकी वुडन प्लेट को कलेक्ट करते हुए सोचता है कि उसे जल्द से जल्द सारी वुडन प्लेट्स को कलेक्ट करना होगा क्योंकि उसके पास टाइम कम था। तभी आयरन वुल्फ विलेज का लीडर भी जियानचेन पर अटैक कर देता है, लेकिन जियानचेन बहुत ही तेजी से उससे डॉच कर जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम स्पिरिचुअल रैंक के फोर्थ ग्रेड पर हो, लगता है कि तुम आयरन वुल्फ विलेज के लीडर हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ सही कहा तुमने। फिर वो जियानचेन से कहता है कि तुमने चैन टियानयू को मार दिया, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी फ्रीडम के बदले चैन फैमिली के लिए तुम्हें मारना होगा, बट डोंट वरी मैं तुम्हारी ग्रेव पर जरूर आऊंगा। जिस पर जियानचेन खड़े होते हुए कहता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो, और फिर अपना ऑरा बाहर निकालने लगता है। ये देखकर वो लीडर कहता है कि तुम्हारा ऑरा वाकई बहुत पावरफुल है, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो अपनी फायर टाइगर स्ट्राइक से जियानचेन पर अटैक करने लगता है, लेकिन जियानचेन भी अपनी शैडो ब्लड स्लैश की सेकंड स्ट्राइक अर्थ स्प्लिटिंग स्लैश का यूज कर देता है, और जैसे इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि आयरन वुल्फ विलेज का लीडर फियर्स टाइगर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए जियानचेन पर अटैक करता है। ये देखकर जियानचेन भी अपनी शैडो ब्लड स्लैश की सेकंड स्ट्राइक अर्थ स्प्लिटिंग स्लैश का यूज कर देता है, और जैसे ही इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी शॉक वेव को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लोग बात करने लगते हैं कि शायद इसमें जियानचेन जीता होगा। तो वहीं दूसरा कहता है कि नहीं नहीं आयरन वुल्फ विलेज का लीडर जीता होगा क्योंकि जियानचेन से वो 3 लेवल ज्यादा हायर है। वहीं एग्जामिनर यान हाओ बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जियानचेन अब मारा गया होगा, लेकिन जैसे ही वहां पर धुआं कम होता है तो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जियानचेन अब भी अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है, और वहां पर आयरन वुल्फ विलेज का लीडर जमीन पर तिरछा पड़ा हुआ है। तभी आयरन वुल्फ विलेज का लीडर जियानचेन से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो जबकि मैं तुमसे 3 लेवल हायर हूं। जिस पर जियानचेन कहता है क्योंकि मैं जियानचेन हूं और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। जियानचेन की इस बात को सुनने के बाद आयरन वुल्फ विलेज का लीडर वहीं मर जाता है। ये देखकर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि जियानचेन अभी भी 3 लेवल कम था और उसने अपने से 3 लेवल हायर स्पिरिचुअल रैंक के वॉरियर को मार दिया था। एग्जामिनर यान हाओ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनका मोहरा जियानचेन से भी हार चुका था। एग्जामिनर यान हाओ को इतने गुस्से में देखकर जियानचेन समझ जाता है कि जरूर इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो ब्लू फायर आर्मी के अंदर खड़ा था।
इसीलिए वो उन्हें बाहर जाकर बाद में डील करने का सोचता है। और सबसे पहले सारी की सारी वुडन प्लेट्स को अपने पास लाने के लिए एक आइडिया लगाता है और सभी को उसकी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है, जिसके बाद उन्हें बताता है कि चाहे वो प्रिजनर हो या फिर वो पार्टिसिपेंट हो, सभी लोग उसके सामने अपने सारे वुडन प्लेट्स को सबमिट कर दें और अगर जिसने भी ऐसा नहीं किया तो वो उसे बिना रहम के खत्म कर देगा। ये सुनकर सभी लोगों को एक मजाक लगता है, क्योंकि ज्ञानचंद इतने सारे लोगों से एक साथ दुश्मनी तो मोड़ नहीं लेना चाहेगा। जिस पर ज्ञानचंद देखता है कि जब कोई भी उसकी बातों पर सीरियस नहीं है तो वो सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इस बात के लिए कितना ज्यादा सीरियस हूँ। जिसके बाद वो इन लोगों पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरी तुम लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे रास्ते के बीच आओगे तो मैं तुम्हें खत्म करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर ये कहते ही वो कई लोगों को मार देता है। ये देखकर किसी को बिलीव नहीं होता है कि ज्ञानचंद उनसे एक साथ दुश्मनी वो ले रहा है, लेकिन वो भी जानते थे कि वो उनमें से कोई भी ज्ञानचंद के सामने टिकने लायक भी नहीं है। वहीं एग्जामिनर येनहाओ भी काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्ञानचंद इस टेस्ट को क्लियर कर पाए। और फिर कुछ ही देर में ज्ञानचंद उन सारी वुडन प्लेट्स को कलेक्ट करने में भी कामयाब हो जाता है। ये देखकर लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ज्ञानचंद उन्हें एलिमिनेट कर रहा था। जिस पर तभी वहां पर चेंग फैमिली के वही लोग आ जाते हैं जो कि ज्ञानचंद को मारना चाहते थे, और वो वहां पर खड़े सभी लोगों से एक साथ ज्ञानचंद पर अटैक करने के लिए कहते हैं और उनका साथ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि ज्ञानचंद अकेला है और वो इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा देर तक नहीं देख पाएगा। जिस पर लोग भी उसके बातों में आने लगते हैं और ज्ञानचंद को मारने की बात करने लगते हैं, जिस पर वो लीडर बहुत ज्यादा खुश जाता है और उसे लगता है कि अब ज्ञानचंद कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी ज्ञानचंद उससे कहता है कि क्या बकवास चल रहा है, और इसी के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी शॉट को अरीना में मार देता है, जिसकी वजह से वहां एक तेज भूकंप आता है और वो अरीना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो ज्ञानचंद के पैर बराबर भी नहीं है। इसके बाद ज्ञानचंद सभी से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बोल लिया, अब मेरी बारी है, और कहता है कि तुम लोगों को ये सारी वुडन प्लेट चाहिए थी ना, और फिर अपनी वुडन प्लेट्स को जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर ज्ञानचंद कहता है कि तुम लोग इन वुडन प्लेट्स को ले सकते हो, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें इसके एक्सचेंज में मुझे चेंग फैमिली के मेंबर्स का सिर लाकर देना होगा। जिस पर सभी लोग चेंग फैमिली के लोगों को घूर घूर के देखने लगते हैं। ये देखकर एग्जामिनर येनहाओ चिल्लाते हुए ज्ञानचंद से कहता है कि लगता है तुम पागल हो गए हो जो चेंग फैमिली से फाइट करना चाहते हो। जिस पर ज्ञानचंद कहता है कि लगता है तुम पागल हो गए हो, सच बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं लगती है। ये सुनकर एग्जामिनर येनहाओ समझ जाता है कि ज्ञानचंद बहुत बड़ा वाला पागल इंसान है, वो किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। वहीं लोग अभी भी चेंग फैमिली से फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो चेंग फैमिली के लोगों को मार देंगे तो चेंग फैमिली उनसे रिवेंज जरूर लेगी। इसलिए अब ज्ञानचंद अनाउंस करता है कि जो भी उसे सबसे पहले एक सर लाकर देगा वो उसे 50 वुडन प्लेट देगा, और फिर सोचने के लिए सभी लोगों को 3 सेकंड का वक्त देता है, और अगर इस बीच किसी ने भी एक्शन नहीं लिया तो वो उन 50 वुडन प्लेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर चेंग फैमिली का एक आदमी सभी लोगों से कहता है कि ज्ञानचंद बस बेवकूफी भरी बातें कर रहा है, और अगर कोई भी ज्ञानचंद की बातों में आकर उन पर अटैक करेगा तो उनकी फैमिली भी उसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़ता है और एक झटके में ही उस लड़के का सर काटकर ज्ञानचंद की तरफ फेंक देता है, जिस पर ज्ञानचंद भी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद वो उसकी 50 वुडन प्लेट्स उसे दे देता है और कहता है कि अब तुम भी इस टेस्ट के टॉप 3 में आ चुके हो, जिस पर वो आदमी ज्ञानचंद को शुक्रिया अदा करता है। अब जैसे ही लोगों को समझ में आता है कि ज्ञानचंद अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा है, तो ये देखकर सभी लोग चेंग फैमिली पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो ब्लू फायर आर्मी में जाने के लिए चेंग फैमिली को भी ऑफेंड करने के लिए तैयार थे। अब मरते मरते चेंग फैमिली के लोग ज्ञानचंद से कहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, जिस पर ज्ञानचंद कहता है कि तुम्हें मुझे मारने से पहले खुद मरने के लिए रेडी होकर आना चाहिए था। अब ये देखकर एग्जामिनर येनहाओ ज्ञानचंद को रोकने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ज्ञानचंद को नहीं रोका तो इन सब के लिए उन्हें ही ब्लेम किया जाने वाला था। बट अचानक से उनके सामने एक शैडो मैन आ जाता है जो उन्हें वहीं रोक देता है और कहता है कि शायद आप भूल रहे हैं कि एक टेस्ट है और इसे इंटरप्ट करने वाले को मौत की सजा मिलती है। उसे वहां देखकर एग्जामिनर येनहाओ घबरा जाते हैं, क्योंकि वो डार्क शैडो एनफोर्समेंट टीम का मेंबर था। इसलिए एग्जामिनर येनहाओ अपनी बात को बदलते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो तो मेरा थोड़ा गला खराब हो गया था तो बस मैं चिल्लाकर अपना गला साफ कर रहा था। जिस पर वो शैडो मैन उन्हें अपनी हरकतों पर ध्यान रखने को कहते हुए वहां से चला जाता है। अब इसके कुछ देर बाद ही ये टेस्ट भी खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, और इन लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट्स ने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी एग्जामिनर येनहाओ ज्ञानचंद को अपने पास बुलाते हैं और उसे इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस अचीव करने के लिए 1000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड देते हैं, जिस पर ज्ञानचंद उन्हें थैंक यू बोलता है। लेकिन एग्जामिनर येनहाओ उससे मुंह फेर के वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर ज्ञानचंद भी समझ जाता है कि एग्जामिनर येनहाओ उसे जरा भी पसंद नहीं करते हैं,
तभी जाते हुए एग्जामिनर ये नाओ जियान चेन से कहते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा घमंडी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने लियू और चेन फैमिली को ऑफेंड किया है, इसीलिए लियू जियान फेंग और चेन टियान हाओ तुमसे रिवेंज लेने के लिए जरूर आएंगे। जिस पर जियान चेन भी कह देता है कि मुझे उन्हें अपने हाथों से मारने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जिसके बाद ये सीन कट करके हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ डार्क इलेवन जियान चेन का वेट कर रहा था और जैसे ही जियान चेन बाहर आता है तो जियान चेन से वो पूछता है कि आज का टेस्ट कैसा रहा, क्या वो पास हो गया। जिस पर जियान चेन उसे बता देता है कि उसने फर्स्ट प्लेस को अचीव किया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि अब तो आप ब्लू फायर केव में बहुत ज्यादा अच्छे से कल्टीवेट कर पाएंगे। बट जियान चेन को ब्लू फायर केव के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए वो डार्क इलेवन इसके बारे में पूछता है। जिस पर वो उसे बताता है कि ब्लू फायर सिटी फर्स्ट रेड स्पिरिचुअल वायर के ऊपर बनी हुई है और ब्लू फायर केव कुछ और नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वायर तक जाने का एंट्रेंस है, इसीलिए केव के अंदर की एक दिन की कल्टीवेशन बाहर के एक महीने की हार्ड कल्टीवेशन के बराबर होती है। फिर वो आगे जियान चेन को बताता है कि उसे जो अभी 1000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड मिले हैं उसकी हेल्प से वो इजीली एक दिन कल्टीवेट कर पाएगा। इस पर जियान चेन खुश हो जाता है और अगले दिन वहां जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसने लियू और चेन फैमिली को ऑफेंड किया था और वो लोग कभी भी उस पर अटैक कर सकते थे। इसके कुछ देर बाद हमें लियू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है जहां हम उसी एल्डर को देख पाते हैं जो कि चेन टियान हाओ के साथ टियान लॉन्ग सेक्ट में था और वो अपने यंग मास्टर को बता रहा था कि आज के टेस्ट में जियान चेन ने कैसे कमाल धमाल कर दिया और उसने पहले भी लियू फैमिली के 3 मेंबर्स को भी खत्म किया था। ये सुनकर वो यंग मास्टर हंसने लगता है क्योंकि अब वो जियान चेन को मार के लियून फेंग से अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर पाएगा। लियू फैमिली के इस यंग मास्टर का नाम लियू जियान फेंग होता है। इसी के साथ हमें चेन फैमिली को भी दिखाया जाता है जहां पर चेन टियान हाओ के फादर जो कि यहां के पैट्रियार्क होते हैं उनका नाम चेन निंग लॉन्ग होता है। वो एक पेपर पर किल लिखते हैं। इसके बाद वो चेन टियान हाओ से कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर वो यस फादर कहता है तो चेन निंग लॉन्ग जियान चेन का सिर उसे 7 दिनों के अंदर लाने के लिए कहते हैं ताकि वो टियान यू की फ्यूनरल में उसे चढ़ा सकें। जिसके बाद ये सीन कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाता है जहां हमें ब्लू फायर केव में दिखाया जाता है और हमें वहां पर एक रैंक लिस्ट दिखती है जहां पर नंबर टॉप पर लियून फेंग होता है तो वहीं नंबर 5 पर चेन टियान हाओ होता है। जहां पर 2 गार्ड आपस में बातें कर रहे होते हैं और पहला वाला दूसरे वाले को बताता है कि इस केव की गहराई ही सिर्फ 1000 मीटर है लेकिन लियून फेंग ने इसके 998 मीटर को पहली बार में क्रॉस कर लिया था। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है कि इसीलिए लियून फेंग टॉप जीनियस की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है और मुझे तो और ज्यादा खुशी होगी जब कोई उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर लेगा। तभी उस गार्ड की नजर सामने से आ रहे जियान चेन पर पड़ती है और आते ही जियान चेन उस रैंक लिस्ट को देखता है और मनी मन होप कर रहा होता है कि कहीं ये केव उसे निराश न कर दे। जियान चेन को वहां देखकर दोनों गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और जियान चेन से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जियान चेन उसे अपने बारे में बताता है और कुछ से पूछता है कि वो किस तरीके से ब्लू फायर केव में एंटर कर सकता है और अपने मेरिट पॉइंट्स को जमा कर सकता है। लेकिन जियान चेन की इस बात को सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस पर जियान चेन उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। जिस पर वो जियान चेन से कहते हैं कि तुम क्या खुद को लियून फेंग समझते हो, जो तुम्हारे पास मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स होंगे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। इस पर जियान चेन उन दोनों को वेट करने को कहते हुए अपने पास से वही मिलिट्री मेरिट टोकन निकाल लेता है जो कि उसने कल जीता था। ये देखकर वो दोनों जियान चेन पर चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी टोकन चुराने की हिम्मत कैसे हुई। अब वो जियान चेन पर अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे लॉ एनफोर्समेंट टीम को जल्द से जल्द दे सकें। इस पर जियान चेन अपनी कॉम्बैट स्किल्स का यूज करते हुए एक स्पीयर को अपनी 2 फिंगर से रोक लेता है तो वहीं दूसरे वाले को उसी मेरिट टोकन से रोक देता है। ये देखकर उन दोनों गार्ड्स को समझ में नहीं आता है कि जियान चेन ने उनके इतने पावरफुल अटैक को भी कैसे ब्लॉक कर लिया। अब जियान चेन उनसे कहता है कि तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही मुझे चोर बोल दिया क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ और बिना ये जाने तुमने मुझ पर अटैक भी कर दिया कि इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। जिसके बाद वो उनके स्पीयर को तोड़ देता है और उन दोनों को मारकर दूर फेंक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।